नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डेविड। स्वागत करता हूं आपका प्रमाटिक यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं जो मैट्रिक में पास होने पे दोस्तों जो आप लोगों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, यानी कि 10,000 अगर प्रथम डिवीजन से आप लोग पास किए हैं तो दोस्तों आप लोग को जो 10,000 मिलता है, वहीं पर दोस्तों जो सेकेंड डिवीजन से पास हुए हैं उन सभी बच्चों को भी दोस्तों 8,000 रुपये मिलता है। सभी बच्चों को नहीं बल्कि जो कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में आते हैं उन्हीं लोगों को दोस्तों जो 8,000 रुपये मिलता है। तो उसके लिए भी दोस्तों अप्लाई होता है। किस प्रकार से आप लोगों को अप्लाई करना है मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दूंगा। बहुत सारे लोगों को दोस्तों नहीं मालूम होता है कि अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हैं तो आप लोगों को पैसा मिलेगा कि नहीं। पर दोस्तों अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति हैं और आप सेकेंड डिवीजन भी आए हैं तो दोस्तों आप लोगों को पैसा मिलेगा। ऐसे दोस्तों फर्स्ट डिवीजन वाले कोई भी जाति यानी कि किसी भी कास्ट से होंगे तो आप लोगों को 10,000 रुपया मिलेगा अगर मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आया है तो। लेकिन दोस्तों वहीं पे बात आ जाता है कि जो सेकंड डिवीजन है तो सेकंड डिवीजन में दोस्तों सिर्फ दो ही कास्ट के लोगों को दिया जाता है जो कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं लोगों को दोस्तों 8,000 रुपया दिया जाता है। तो उसके लिए किस प्रकार से दोस्तों अप्लाई करना होता है मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दूंगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को गूगल क्रोम ब्राउजर को खोल लेना है और यहाँ पे दोस्तों edu.dbt.bih.nic.in लिखकर आप लोगों को सर्च कर देना है। या मैं दोस्तों लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट इस पेज पर आइएगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पास प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालक बालिका, ये वाले दोस्तों लिंक पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। ये वाले लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से कुछ आप लोगों को पेज खुल जाएगा और यहाँ पे खुलने के बाद दोस्तों देख सकते हैं क्लिक हियर टू अप्लाई, इस वाले ऑप्शन पे दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप लोगों को क्लिक करना है। अगर सेकेंड डिवीजन है और अनुसूचित जाति है तो भी दोस्तों इसी पे क्लिक करना होता है। तो चलिए दोस्तों हम क्लिक कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पेज खुलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लीजिएगा और यहाँ पे दोस्तों डेट ऑफ बर्थ जा रहा है तो आप दोस्तों आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना है। और यहाँ पे दोस्तों जो नीचे मांगा जा रहा है टोटल अपडेट मार्क्स, ये डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 231 नंबर है, यानी कि ये दोस्तों सेकंड डिवीजन है। तो इसका मैं दोस्तों आप लोग को दिखा रहा हूँ कि खुलता है कि नहीं। तो दोस्तों 100% खुलेगा क्योंकि दोस्तों ये अनुसूचित जाति के हैं, इसीलिए दोस्तों इनका खुलेगा। और यहाँ पे दोस्तों कैप्चा कोड दिख रहा है उसको नीचे डाल लेना है और लॉगिन वाले बटन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे जनरेट OTP होगा, इस पर दोस्तों आप लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही दोस्तों जनरेट OTP पर क्लिक कीजिएगा तो लिखेगा यहाँ पे OTP हैज बीन सेंड ऑन योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो दोस्तों अभी मोबाइल नंबर दिए हैं उसी पे दोस्तों आप लोगों को एक OTP जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना यहाँ पे OTP डाल लेते हैं। OTP डालने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई का बटन होता है, इस पर दोस्तों आप लोग को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। पहला में दोस्तों अपडेट बैंक डिटेल्स, दूसरा में अपलोड इनकम सर्टिफिकेट और तीसरा में फाइनलाइज एप्लीकेशन, मतलब दोस्तों एप्लीकेशन का जो लास्ट चरण है वो तीसरा ऑप्शन में पूरा करना होता है। तो चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मांगा जा रहा है नेम एज पर आधार, मतलब कि जो आप लोग के आधार कार्ड पे नाम है वही सेम यहाँ पे दोस्तों आप लोग को डालना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे डाल लेते हैं DOBS पर आधार, मतलब कि जो दोस्तों आधार पे डेट ऑफ बर्थ है वही सेम आप लोग को डालना है। तो चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ भी डाल लेता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप लोग को आधार नंबर पूछा जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर भी डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई आधार पे आप लोग को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब कि दोस्तों आप लोग का जो नाम है और जो आधार नंबर है वो दोस्तों मैच कर गया, इसी कारण ये ग्रीन हो गया। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अब यहाँ पे मांगा जा रहा है नेम एज पर बैंक अकाउंट, मतलब कि जो दोस्तों आप लोग के अकाउंट पे नाम है वही नाम सेम आप लोग को डालना है। तो चलिए दोस्तों हम डाल लेते हैं। नाम डालने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे IFSC कोड डालने के लिए बोलेगा, तो दोस्तों आप लोग को IFSC कोड सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे IFSC कोड आप लोग को डालना होगा। डालने के बाद दोस्तों अपने आप यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा लिख दिया। इसी प्रकार से दोस्तों जो भी आप IFSC कोड डालेंगे अगर वो IFSC कोड सही होगा तो यहाँ पे दोस्तों उस बैंक का नाम लिख देगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद दोस्तों देख सकते हैं इसके इस साइड में यहाँ पे कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर मांगेगा, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को सेम जो बैंक अकाउंट नंबर डाले हैं वही आप लोगों को दोबारा से डाल देना है। चलिए हम डाल लेते हैं। डालने के बाद दोस्तों आप लोग को एक बार नीचे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक बार अच्छी तरह से आप लोग को मिला लेना है कि जो आप अकाउंट नंबर डाले हैं वो सही है कि नहीं।
अगर सही है तो दोस्तों यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, रिकॉर्ड सफलतापूर्वक अपडेट हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद यहाँ पे गो टू होम वाले पेज पे आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं पहला ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरा है दोस्तों अपलोड इनकम सर्टिफिकेट पे आप लोग को क्लिक करना है। और दोस्तों आय प्रमाण पत्र इसके लिए आप लोग को बहुत ज़रूरी है बनवाना। और आय प्रमाण पत्र बनवाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को स्कैन कर लेना है। और दोस्तों चूज फाइल पे जाके आप अपना जहाँ पे भी स्कैन करके आय प्रमाण पत्र रखे हैं वहाँ से आप लोग को आय प्रमाण पत्र को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सेव का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों सेव पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया, इनकम सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी कि दोस्तों हमारा जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट अपलोडेड लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके आप लोग देख भी सकते हैं जो अपलोड किए हैं। और यहाँ पे दोस्तों क्लोज वाले ऑप्शन पे अब आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से पूछेगा कि आप क्लोज करना चाहते हैं, तो ओके पे आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ जो एप्लीकेशन का लास्ट स्टेज है उस पर दोस्तों आप लोगों को क्लिक करना है, यानी कि फाइनलाइज एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ डिक्लेरेशन है, तो इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। और एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो फाइनल सबमिट का बटन आ रहा है इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि आप श्योर हैं फाइनल सबमिट करने के लिए, तो दोस्तों आप लोग को यस पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों देख सकते हैं हमारा फॉर्म फिल हो गया अच्छी तरह से। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग अगर मैट्रिक में सेकेंड डिवीजन आए हैं और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हैं तो दोस्तों आप लोग भी फॉर्म को भर सकते हैं। जो प्रोत्साहन राशि मिलता है उसके तहत दोस्तों आप लोगों को सेकेंड डिवीजन वाले लोगों को जो भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होंगे उनको दोस्तों 8,000 रुपया मिलेगा। और बाकी जो जनरल कैटेगरी या पिछड़ा वर्ग से होंगे उनको 10,000 रुपया मिलता है दोस्तों अगर फर्स्ट आते हैं तो। लेकिन सेकेंड आने पर उन लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिलता है, लेकिन जो सेकेंड अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं तो उन लोगों को दोस्तों 8,000 रुपया मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।